कभी वन चाइल्ड पॉलिसी के नाम पर ज्यादती करने वाला चीन अब अपने ही जाल में उलझ गया है। एक समय चीन की सरकार एक से ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों पर जुर्माना लगाती थी, नौकरी से निकाल देती थी, एक्स्ट्रा बच्चे को उठाकर ले जाती थी और भी बहुत सारे तिगड़म अपनाए जाते थे। वही सरकार अब हाथ जोड़कर कह रही है, ज्यादा बच्चे पैदा करो, सपोर्ट हम करेंगे, थोड़ा बहुत खर्चा भी उठा लेंगे। इसके बावजूद लोग बच्चा पैदा करने के लिए तैयार नहीं हैं। 61 सालों में पहली बार चीन की आबादी घट गई है। 2021 में चीन की जितनी आबादी थी 2022 में उसमें 8.5 लाख की कमी आई है। जन्म दर रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई है। इसका असर ये हुआ है कि बुजुर्ग आबादी बढ़ती जा रही है, नए मानव संसाधनों की संख्या में कमी आई है, इससे सोशल सिक्योरिटी और हेल्थ केयर जैसी सुविधाओं पर भार बढ़ेगा, सरकार को उसमें ज़्यादा निवेश करना होगा। इसके बरक्स वाले समय में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले घट जाएंगे, इसका असर आउटपुट पर और फिर चीन की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। चीन में चिंता लंबे समय से जताई जा रही है। इसी वजह से 2016 में सरकार ने वन चाइल्ड पॉलिसी को खत्म कर दिया था, हालांकि इसका बहुत फायदा देखने को नहीं मिल रहा है। तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे चीन की जनसंख्या में आई कमी की असली कहानी क्या है, इस कमी से चीन की सरकार परेशान क्यों है और आबादी घटने के नुकसान क्या क्या हैं। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। आज कहानी चीन की जनसंख्या की और शुरुआत इतिहास से। 1 अक्टूबर 1949 को माओ ज़ेदुंग की कम्युनिस्ट क्रांति सफल हो गई। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना यानी कि सीसीपी ने चियांग काई शेक की कुओमिंतांग को फार्मोसा द्वीप पर खदेड़ दिया। माओ सीसीपी का सर्वे सर्वा था, इसलिए चीन की कमान उसके हाथों में आई। माओ का मानना था कि जितने ज़्यादा लोग होंगे चीन उतना ज़्यादा ताकतवर होगा। उसके दिमाग में कुछ और प्लान भी चल रहे थे, जैसे चीन से सटे इलाकों पर कब्जा करना। इसके लिए बड़ी संख्या में सैनिकों की ज़रूरत थी, खेतों और फैक्ट्रियों में उत्पादन बढ़ाना, इसके लिए सस्ते कामगारों की कमी नहीं पड़नी चाहिए। 1949 से पहले कई दशकों तक चीन में अशांति थी, अकाल, सिविल वॉर, विश्व युद्ध और महामारी के चलते लोग कीड़े मकौड़ों की तरह मर रहे थे। स्थायी सरकार आने के बाद लोगों को इससे निजात मिली। चीन में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हुईं, लोगों को बढ़िया इलाज मिला, इससे लोगों का जीवन लंबा हुआ। माओ को ये भरोसा था कि चीन की जनसंख्या चाहे कितनी भी बढ़ जाए उसके लिए संसाधनों की कमी नहीं पड़ेगी। उसने कहा था, दुनिया में इंसान से ज़्यादा कीमती चीज़ कुछ भी नहीं। माओ का ये कथन मानवीय हित से जुड़ा हुआ नहीं था। वो ये मानता था कि जितने ज़्यादा लोग होंगे प्रोडक्शन उतना ज़्यादा होगा, जनसंख्या बढ़ने से फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। इसलिए उसने जनसंख्या नियंत्रण पर रोक लगा दी, गर्भ निरोधक दवाओं का आयात बंद कर दिया, कई जगहों पर सरकार ने अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रचार भी किया। इसके नतीजे में चीन की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ी, लेकिन जब ये सरकार पर भारी पड़ने लगा तब माओ ने बर्थ कंट्रोल की वकालत शुरू की। शहरी इलाकों में 2 और गांव में 3 बच्चे पैदा करने की बात कही गई, हालांकि इसको लेकर गंभीरता नहीं बढ़ती गई। फिर आया साल 1958। इस साल द ग्रेट लीप फॉरवर्ड की नीति लागू की गई। दरअसल माओ के मन में लंबे समय से एक प्लान चल रहा था, वो चीन को कृषि प्रधान से उद्योग प्रधान देश बनाना चाहता था, वो भी एक झटके में। इसके लिए उसने कई तुगलकी फरमान जारी किए, मसलन किसानों की ज़मीनों को नेशनलाइज कर दिया गया, किसानों को फसल उपजाने का कोटा मिला, उसी के आधार पर सरकार उन्हें खाना देती थी। किसान अपने ही खेतों में मजदूर बनकर रह गए, सरकार को बस नतीजों से मतलब था। स्थानीय अधिकारी कोटा पूरा करने के लिए बीज तक उठाकर ले जाते थे, रही सही कसर खराब मौसम ने पूरी कर दी। पूरे देश में भयानक अकाल पड़ा। 1958 से 1961 के बीच चीन में अकाल के कारण 4 से 5 करोड़ लोग मारे गए। खेतों के साथ साथ शहरी फैक्ट्रियों में उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा था। जब मजदूरों की कमी पड़ी तब किसानों को खेतों से उठाकर फैक्ट्रियों में भर्ती किया गया। उन्हें इस काम के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, इससे स्टील की क्वालिटी खराब हुई, औद्योगिकरण का प्लान फेल हो गया। इस नाकामी को लेकर माओ की आलोचना होने लगी। कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर भी विरोध के स्वर उठे। कहा गया कि संख्या से अधिक जरूरी चीज़ है विशेषज्ञता। उधर जनसंख्या अपनी रफ्तार से बढ़ रही थी, लेकिन ग्रेट लीप फॉरवर्ड की नाकामी ने संसाधनों की भारी किल्लत पैदा कर दी। सरकार को लगा अब नहीं हो पाएगा। 1970 में चीन में फैमिली प्लानिंग की बात शुरू हुई, लोगों को 2 बच्चों की लिमिट रखने के लिए प्रोत्साहित किया गया। 1976 में माओ की मौत हो गई। उसके बाद से शासकों ने माओ की नीतियों को
खारिज करना शुरू कर दिया था। चीन की खराब आर्थिक स्थिति के लिए माओ को जिम्मेदार ठहराया जाने लगा था। चीन की पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा टर्न आ रहा था। माओ के कार्यकाल में चीन की पॉपुलेशन 54 करोड़ से बढ़कर 94 करोड़ तक पहुंच गई थी। ऐसे में जनसंख्या नीति में बदलाव तय था और हुआ भी वही। 1978 में सरकार ने एक प्रस्ताव पास किया। इसके तहत शादीशुदा जोड़ों को अधिकतम एक बच्चा पैदा करने के लिए कहा गया। ये वॉलंटियरी था, यानी ये लोगों की इच्छा पर निर्भर करता था। बढ़ावा देने के लिए कई प्रांतों ने अपने यहाँ अलग अलग तरह के प्रयोग भी किए। सिचुआन प्रांत में ऐसे कपल्स को अधिक राशन दिया जाता था जिन्होंने एक से अधिक बच्चा पैदा ना करने की शपथ ली हो। 1979 के साल में जिनके पास एक बच्चा था वैसे कपल्स को सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर दिया गया ताकि वे और बच्चे पैदा ना करें। सरकार का इरादा ये था कि जनसंख्या को कंट्रोल किया जाए ताकि संसाधनों की कमी ना हो। फिर 25 सितंबर 1980 को वन चाइल्ड पॉलिसी को अनिवार्य बना दिया गया। उसके बाद ये सरकार की नीति का हिस्सा बन गया। कहा गया कि बर्थ कंट्रोल हर चीनी नागरिक का कर्तव्य है। इसके बाद सरकारी मशीनरी आक्रामक होकर अपने मिशन में जुट गई। इसका खामियाजा ये हुआ कि सही मकसद से बनाई गई नीति चीनी जनता के लिए अभिशाप बन गई। कैसे, समझते हैं। नंबर एक, चीन के समाज में लड़कों को प्राथमिकता दी जाती है। वहां मान्यता है कि लड़की पराया धन है। शादी के बाद वो दूसरे घर चली जाएगी, इसलिए बुढ़ापे में देखभाल के लिए लड़के ही काम आएंगे। वन चाइल्ड पॉलिसी से क्या हुआ, जिन कपल्स को पहली संतान लड़की होती थी वे या तो उसे मार देते या कहीं दूर छोड़ जाते थे। इनका इरादा ये होता कि सरकार को इसकी जानकारी हाथ ना लगे। ऐसे कपल्स तब तक लड़कियों को अपने से दूर करते रहे जब तक कि उन्हें लड़का नहीं हो गया। उन बच्चियों का क्या हुआ उनके माता पिता को कभी मालूम नहीं चल सका। कई बच्चियों को देह व्यापार में धकेल दिया गया। इसके अलावा चीन के सेक्स रेशियो में भी भयानक असमानता आई। वर्तमान में चीन में महिलाओं की तुलना में 3,70,00,000 अधिक पुरुष हैं, यानी उन्हें जीवन भर कोई पार्टनर नहीं मिलेगा। नंबर दो, अगर किसी कपल के एक से अधिक बच्चे हुए और ये बात सरकारी अधिकारियों को पता चलती तो वे पूरे दलबल के साथ धावा बोलते थे। इसके लिए जुर्माने की व्यवस्था थी लाखों में। जो समर्थ थे वे तो जुर्माना देकर बच्चों को बचा लेते थे और जो गरीब थे उनके पास कोई चारा नहीं होता था। अधिकारी ऐसे बच्चों को अपने साथ ले जाते थे। एक से अधिक बच्चे पैदा करने पर नौकरी छीन ली जाती थी। कई मामलों में जेल भी भेज दिया जाता था। जबरन गर्भपात और नसबंदी की व्यवस्था आम थी। एक अनुमान के मुताबिक चीन में वन चाइल्ड पॉलिसी लागू रहने के दौरान लगभग 30 करोड़ गर्भपात कराए गए। जुड़वा बच्चे पैदा करने पर सरकार ने कोई नियम नहीं लगाया था, इसलिए लोग दवाओं या ऑपरेशन के जरिए एक साथ कई बच्चे पैदा कराने की कोशिश करते थे। इसका सीधा भार महिलाओं पर पड़ता था। महिलाओं के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर किसी का ध्यान नहीं था। ये उनके लिए बेहद खतरनाक साबित हुआ। आंकड़ों में भी इस बिंदु को गोल कर दिया गया। वन चाइल्ड पॉलिसी की आड़ में उइगर मुस्लिमों की मान्यताओं को खत्म करने की कोशिश भी की गई। चीनी सरकार पर उइगरों के नरसंहार की साजिश रचने का आरोप लगता रहा है। क्या वन चाइल्ड पॉलिसी से सिर्फ नुकसान ही हुआ, ये भी जानते हैं? नहीं, कई मायनों में इसका फायदा भी हुआ। चीन अपने यहाँ जनसंख्या विस्फोट को काबू करने में कामयाब रहा। लोगों को अधिक संसाधन उपलब्ध हुए, सरकार को नीतियां बनाने में आसानी हुई। इसी वजह से चीन विकास की राह पर आगे बढ़ पाया। लेकिन इसके पीछे जो कीमत वहाँ के लोगों ने चुकाई, क्या वो जायज थी? क्या उसका कोई हल निकाला जा सकता था? विकास और मानवाधिकारों में से किसे चुना जाना चाहिए, आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। खैर, 2014 से चीन सरकार ने वन चाइल्ड पॉलिसी में ढील देनी शुरू कर दी। जो भी कपल्स अपने माता पिता के इकलौती संतान थे उन्हें दो बच्चे पैदा करने की छूट दी गई। 2015 में वन चाइल्ड पॉलिसी को आधिकारिक तौर पर ख़त्म कर दिया गया। सभी शादीशुदा जोड़ों को दो बच्चे पैदा करने की छूट मिल गई। 2021 में चीन की जनगणना जारी हुई। इसमें पता चला कि पिछले 10 सालों में सिर्फ 1,20,00,000 बच्चे पैदा हुए। ये 1961 से अब तक का सबसे निचला रिकॉर्ड था। इससे सरकार परेशान हुई। तब पोलित ब्यूरो ने दो बच्चों की लिमिट को खत्म करने का ऐलान किया। कहा कि अब कपल 3 बच्चे पैदा कर सकते हैं। चीन को यह कदम क्यों उठाना पड़ा था, इसकी 3 वजहें थी। नंबर एक, आबादी का असंतुलन। चीन में बुजुर्गों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अनुमान है कि 2050 तक 1/3 लोग लेबर फोर्स से बाहर हो जाएंगे, यानी वे प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। सरकारी इंसेंटिव पर उनकी निर्भरता बढ़ जाएगी। चीन दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। अगर युवाओं की आबादी घटी तो लेबर फोर्स कम हो जाएगा। नंबर दो,
चीन में अधिकतर लोगों के पास एक संतान है, वहाँ अब इस सिस्टम को मान्यता मिल चुकी है। जिनकी पहली संतान बेटा है वो दूसरा बच्चा पैदा करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। चीन में चोरी फैमिली का कल्चर बढ़ गया है, इसलिए वे दूसरा बच्चा पैदा करने से हिचकते हैं। 2016 में सरकार ने टू चाइल्ड पॉलिसी लागू की थी ताकि जनसंख्या वृद्धि की दर को बढ़ाया जा सके, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं हुआ। नंबर 3, चीन में शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है। शहरी लोग खुले माहौल में जीना पसंद करते हैं, बंदिशों से परे। शहरों में बच्चों की परवरिश महंगी होती जा रही है। कोविड और रूस यूक्रेन वॉर के दौर में शहरों में जीवन यापन महंगा और मुश्किल हुआ है। हाल के समय में चीन सरकार ने ज़्यादा बच्चे पैदा करने पर टैक्स में छूट और दूसरी सुविधाएं देने की शुरुआत की है, लेकिन ये सतत नहीं है। जानकार मानते हैं सिर्फ पॉलिसी के स्तर पर छूट देने से फायदा नहीं होगा, इसके लिए सरकार को चाइल्ड केयर के साथ साथ कामकाजी महिलाओं को अलग से मदद देने पर विचार करना होगा। आज हम ये सब आपको क्यों बता रहे हैं? जैसा कि हमने एपिसोड की शुरुआत में बताया, चीन में पिछले 61 सालों में पहली बार जनसंख्या में कमी आई है। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो ऑफ चाइना की रिपोर्ट के अनुसार 2021 की तुलना में 2022 में चीन की आबादी 8.5 लाख कम हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि कम बच्चे पैदा हुए और ज़्यादा लोगों की मौत हुई। यूएन की रिपोर्ट के अनुसार इस साल भारत आबादी के मामले में चीन को पीछे छोड़ देगा, और ही रफ्तार कायम रही तो 2050 तक चीन की आबादी घटकर 131 करोड़ और 2100 तक 80 करोड़ रह जाएगी। इसके अलावा 2022 में 65 साल से ऊपर के लोगों की संख्या 21 करोड़ तक पहुंच गई है। 16 से 59 की उम्र के लोगों की संख्या फिलहाल 86 करोड़ के करीब है। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ेगी वे वर्कफोर्स से बाहर होते जाएंगे, इसके बरक्स उनकी जगह भरने वाले कम होंगे। जनदर में कमी का ये सीधा नुकसान होगा। जब युवा कम और बुजुर्ग ज़्यादा होंगे तब क्या होगा? इसके 3 मुख्य नुकसान होंगे। पहला, वर्कफोर्स में कमी आएगी। चीन 1990 के दशक में युवा आबादी वाला देश था, इसी की बदौलत उसने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में लंबी छलांग लगाई। चीन के आर्थिक विकास में इसी युवा आबादी ने मदद की। बाहर की कंपनियां चीन में इसलिए आईं क्योंकि वहां उन्हें सस्ता लेबर मिला। जब युवाओं की संख्या घटेगी तब लेबर महंगा होगा, ऐसे में विदेशी कंपनियां दूसरे देशों में शिफ्ट कर सकती हैं। दूसरी बात, सरकार का खर्च बढ़ेगा। एक तरफ कमाने वाली और टैक्स देने वाली आबादी कम होगी, वहीं दूसरी तरफ बुजुर्गों की संख्या बढ़ती जाएगी। बुजुर्गों को हेल्थ केयर, पेंशन और दूसरी सुविधाओं की जरूरत पड़ेगी, इसका भार सरकार के खजाने पर पड़ेगा। तीसरी बात, खर्च करने की क्षमता घटेगी। जानकारों का कहना है कि युवा आबादी मार्केट में ज़्यादा खर्च करती है, खर्च के आधार पर मांग और सप्लाई का संतुलन बना रहता है। चीनी अधिकारी जनसंख्या में कमी की आशंका लंबे समय से जता रहे थे, मगर समस्या उनके अनुमान से बहुत पहले सामने आकर खड़ी हो गई। हालांकि अभी चीन के पास आबादी के असंतुलन को पटरी पर लाने का समय है। चीन सरकार को इसे ठीक करने के लिए किस तरह के कदम उठाने की ज़रूरत है, अपनी राय हमें कॉमेंट कर बताएँ। आज की दुनियादारी में दोस्तों बस इतना ही। जाते जाते एक ज़रूरी सूचना सुन लीजिए। शुरू हो गया है YouTube पर लल्लन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इस मेंबरशिप में? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले ही देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज़ रूम और किताब वाला जैसे शोज। लल्लन टॉप के एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। लल्लन टॉप के न्यूज़ रूम में क्या कुछ होता है, अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज़ रूम की रोचक उठापटक। की मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। काम करते करते महीने भर लल्लन टॉप वालों ने क्या मज़ेदार गड़बड़ियाँ और गलतियाँ की ये BTS माने बिहाइंड द सीन्स में आप देख पाएंगे। मज़ेदार स्टिकर्स के साथ चैट या कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप यूट्यूब के चैट और कॉमेंट्स में कर पाएंगे। इस मज़े के लिए आपको करना क्या होगा? जाना होगा लल्लन टॉप यूट्यूब चैनल पर और ज्वाइन बटन दबाना होगा। फिर सिर्फ 59 रुपये महीने में मिलेगा लल्लन टॉप मजा। सूचना समाप्त और आज का दुनियादारी शो भी। शुक्रिया, शुभ रात्रि।